भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ ने अखिलेश यादव पर सियासी तीर छोड़ते हुए कहा है कि पूर्व सीएम ये भूल जाते हैं कि वे आजमगढ़ से सांसद हैं, न कि आजम खान के सांसद हैं। दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि अखिलेश सांसद में आजमगढ़ की बात न करके आजम खान की वकालत करते हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिनेश लाल अखिलेश यादव को आजमगढ़ सीट से टक्कर दे चुके हैं। हालांकि इस टक्कर में दिनेश लाल निरहुआ की हार हुई थी, बावजूद इसके आजमगढ़ में दिनेश लाल की सक्रियता बरकरार है। निरहुआ कहा कि वे खुद आजमगढ़ के मुद्दे को उठाते हैं। निरहुआ ने कहा, सड़क से लेकर स्वास्थ्य तक की जनता की सारी समस्याओं को मैं ही मुख्यमंत्री तक पहुंचाता हूँ। निरहुआ ने कहा कि यूपी चुनाव 2022 में वह स्टार प्रचारक की भूमिका में रहेंगे। वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान दिनेश लाल निरहुआ ने बताया कि बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी है। जब भी राज्यों में चुनाव हुए, चाहे वह बिहार, दिल्ली, पंजाब या महाराष्ट्र हो, उनकी भूमिका स्टार प्रचारक के तौर पर ही रही। उन्होंने कहा कि इस बार के यूपी 2022 के चुनाव में भी उनकी भूमिका स्टार प्रचारक के रूप में रहेगी। यूपी चुनाव में हिस्सा लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आगे जो भी पार्टी का आदेश होगा जरूर मानूंगा। मैं अपनी पार्टी का जिम्मेदार सिपाही हूँ और पार्टी जो कुछ मुझे भार और कार्य देती है मैं उसे उठाता आया हूँ। जब उनसे पूछा गया कि वे यूपी के किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हैं, इस सवाल पर निरहुआ ने कहा, मेरी इच्छा ऐसी नहीं कि मैं अपनी मनपसंद सीट से चुनाव लड़ूं। मेरी व्यस्तता फिल्मों में ज़्यादा है, इसलिए मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही बीजेपी में रहा। मेरे पास 2 साल के पहले की डेट भी नहीं है फिल्म करने के लिए, लेकिन पार्टी के लिए समय निकाल कर आ जाता हूँ। हाल ही में दिनेश लाल निरहुआ ने सीएम योगी की तारीफ में अपना गाना जितना चाहे जोर लगा ला आएंगे फिर भी योगी ही को लॉन्च किया है।